गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, ER.डॉट MTS क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, जो आज हम स्पेशल टॉपिक की क्लास है आपकी, तो उसके अंतर्गत जो हम आज डिस्कस करेंगे, हम किसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसके बारे में बताने जा रहे हैं कि आपका विस्कोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं सान्यता। सान्यता क्या होती है? सान्यता एक्चुअली ये होती है कि किसी चीज़ में कितना ज़्यादा क्या होता है, गाढ़ापन। एक टाइप, एक सिंपल सी भाषा में समझ लें, जैसे हम दो उदाहरण लेते हैं आपका। पहला आपका क्या होता है, पानी होता है जिसको हम वाटर बोलते हैं। वो आपका क्या होता है, एक होता है शहद जिसको बी हनी बी बोलते हैं। तो हनी बी और उसमें क्या बोलते हैं, शहद और पानी में जब हम सान्यता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सान्यता होती है वो किसकी होती है, शहद की होती है। एक उदाहरण के लिए आपने क्या किया, कहीं आपने क्या किया, आपने पानी फेंक दिया ज़मीन में और दूसरी जगह आपने शहद फेंक दिया, तो इसमें कौन ज़्यादा गति से चलेगा? पानी ज़्यादा गति से चलेगा उस शहद की तुलना में। ऐसा क्यों होता है? उस सान्यता की वजह से होता है। लेकिन सान्यता किसकी ज़्यादा होती है, शहद की, क्योंकि शहद के अंदर गाढ़ापन ज़्यादा होता है। द्रव की हम वाटर की बात करें तो उसकी सान्यता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। किसकी, द्रव, अगर जो बात करें शहद की अपेक्षा। जैसे आपने क्या किया, आपने लिया पानी, ठीक, पानी आपने फेंक दिया, तो उसमें क्या होता है कि उसकी लेयर के ऊपर क्या होता है, हर जगह देख लो क्या होता है, बराबर द्रव आपका फ्लो नहीं करता है, लिक्विड आपका बराबर फ्लो नहीं करता है। अगर बराबर फ्लो करता है तो सब क्या होता है, यहाँ से द्रव उठ करके क्या वहाँ डायरेक्ट पूरा का पूरा वहीं पहुँच जाता, ठीक है। और अगर जो आप फेंकते हो तो क्या होता है, पहले थोड़ा सा पार्ट जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट जाएगा। जो एक्चुअली होता ये है कि सारा का सारा पार्ट एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान सही समय पर सही जगह ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टाइप का प्रतिरोध लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से होता है फ्लो जो होता है, ठीक है, वो किस हिसाब से होता है, उसमें एक रुकावट पैदा करता है। इट ऑफर द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द फ्लूइड इन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आए सीधी दिशा में अगर जो आपका लिक्विड या द्रव फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या कर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स लगेगा, तो ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। जैसे मान लेते हैं ये आपकी कोई क्या है, ये आपकी सतह है, ये आपकी क्या होती है, कोई एक सतह है द्रव की, तो ये आपका क्या हो गया, ये मान लो प्लेट है, ये आपकी जमीन है, इस पे आपने क्या किया, पानी डाल दिया, तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका हर जगह क्या, ये पानी यहाँ से उठकर यहाँ पूरा का पूरा नहीं जाएगा, वो धीरे 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 पूरा क्या करेगा, बहेगा। मतलब क्या होगा, किस वजह से बह रहा, क्योंकि इसमें प्रतिरोध लग रहा है लेयर बाई लेयर में, ठीक, जिसकी वजह से सीधे के सीधे ही क्या कर रहा है, मोशन एक साथ नहीं कर पा रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है, सान्यता की वजह से होता है। और सान्यता का जो फार्मूला होता है, ये होता है टाउ बराबर म्यू डीवी अपॉन डीवाई, ये आपका हो जाता है। अगर यहाँ से आप किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करते हैं, यहाँ से जो आपकी सान्यता निकल के, तो बी इक्वल टाउ अपॉन डीयू अपॉन डीवाई, जो इसमें गति होती है ना, उसकी वजह से क्या इसमें रेजिस्टेंस लगता है, टाउ जहाँ पर आपका क्या शियर स्ट्रेस लगता है, और डिग्री अपॉन टेक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसके बोलते हैं कि वेलोसिटी में परिवर्तन, इसकी गति में परिवर्तन आ जाता है, इसकी वजह से जो फोर्स लगता है, जो स्ट्रेस लगता है, वो शियर स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से इसमें गति में जो है चेंज आ जाता है। देन आई विल टेकिंग द यूनिट ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये जो आपका होता है इसकी न्यूटन हो जाती है, ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या था, मात्र करता सान्यता का, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वीडियो किसके ऊपर थी, विस्कोसिटी, सान्यता के ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार ER.MTS क्लासेस पर बनाए रखिए। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।